और रांची से बड़ी खबर है, जहां कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद ईडी कार्यालय पहुंची है। जमीन अवैध बालू खनन मामले में दूसरे दिन भी अंबा प्रसाद से पूछताछ जारी है। वहीं सोमवार को 8 घंटों तक अंबा प्रसाद से पूछताछ हुई थी। कांग्रेस के बड़कागांव कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद ईडी दफ्तर पहुंची है और मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ईडी के अधिकारी जो भी सवाल पूछ रहे हैं उनका जवाब हम दे रहे हैं। आज से नवरात्र पर्व शुरू हुआ है, कलश यात्रा अटेंड कर क्षेत्र से सीधे ईडी ऑफिस पहुंची हूं और जनता का विश्वास और ऊपर वाले पर मुझे भरोसा है। बता दें कि जमीन हड़पने की कोशिश, धमकी, बालू तस्करी सहित आधा दर्जन मामलों में मनी लॉन्ड्रिंग के बिंदु पर ईडी जांच कर रही है। सोमवार को भी ईडी ने बड़कागांव की कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद से पूछताछ की थी और आज एक बार फिर से अंबा प्रसाद को पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर बुलाया गया है। जो भी चीज पूछ रहे हैं वो बता रहे हैं, अभी तक तो नहीं पता चला। मुझे दिन बुलाना क्या लगता है? ऐसे समय में बुलाना चाहेंगे, उनसे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज नवरात्र शुरू हुआ है और क्षेत्र से ही बहुत सारा कलश यात्रा अटेंड करके आए हैं और 2 बजे का समय मिला था और लेट भी हो गए, तो क्षेत्र की जनता का बहुत प्यार और आशीर्वाद मेरे साथ है और उस इतनी बड़ी ताकत मेरे साथ है, तो हम समझते हैं कि इसमें घबराने की तो कोई जरूरत ही नहीं है। और हमने हमेशा सेवा भाव से एक एक व्यक्ति का काम किया है, बहुत प्रेम से, बहुत स्नेह से लोगों का बात सुना है। और इस खबर पर सहयोगी संतोष हमारे साथ जुड़ गए हैं। संतोष, देखिए, सोमवार के दिन भी 8 घंटे तक की लंबी पूछताछ चली और आज एक बार फिर से अंबा प्रसाद ईडी दफ्तर पहुंची। हालांकि उन्होंने मीडिया से बातचीत में ये जरूर कहा है कि वो ईडी के सवालों का जवाब भी दे रही है और इस कार्रवाई में ईडी का सहयोग कर रही है। देखिए, दूसरे दिन अंबा प्रसाद कांग्रेस विधायक, जो बड़कागांव विधायक है अंबा प्रसाद, ईडी कार्यालय लगभग 3 बजे पहुंची। कल भी 8 घंटे लंबी पूछताछ के बाद आज भी ईडी कार्यालय उन्हें बुलाया गया था और फिर से पूछताछ की सिलसिला शुरू हुआ है। उनका साफ कहना है कि जो भी ईडी के अधिकारी उनसे पूछ रहे हैं उनको सही सही बता रहे हैं, लेकिन नवरात्र का वक्त था इसलिए हमें जनता के जो नवरात्र का कलश स्थापना उसमें अटेंड करते हुए लेट हो गया और हम आज फिर ईडी के समक्ष पेश हुए हैं और जो भी सवाल पूछेंगे ईडी के अधिकारी उसका सही से सही जवाब देंगे और जो जांच करना चाहे उसे जांच कर ले। और उन्होंने कहा कि हमें नवरात्र का वक्त है, हमें भगवान पर पूरा भरोसा है, हमें इंसाफ जरूर मिलेगा और फिर से ईडी के अधिकारी के समक्ष जो बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद है वो ईडी के समक्ष सवालों का सामना कर रही है। अब देखना होगा कि कितने देर ईडी के अधिकारी उनसे पूछताछ करते हैं। जी रश्मि, चलिए नजर बनाए रखिए। संतोष, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।